हेलो टू ऑल क्लास 12th। तो लास्ट क्लास में हमने किया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और उसमें हमने पढ़ा था पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है भाई? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास, ये रहा हमने पढ़ा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। होल्स पर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो होल्स को हमने दिखा दिया पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये लीजिए, और एक आधा हमने दिखा दिया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास रखा जाता है, ये रख दिया हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज कह दिया हमने, एक आधा हमने क्या दिखा दिया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास रखा जाता है तो जो संरचना हमारे पास बनती है वी विल गेट पीएन जंक्शन डायोड। इसका सिंबल है फिजिक्स की रूप में इस टाइप से, ए ट्राइंगल एंड विद इन वर्टिकल लाइन, दिस इज पी दिस इज एन। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर है? ठीक है, काम क्या है आगे पढ़ते हैं हम। पहले क्या है हमारे पास, क्या है व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर is placed with n type semiconductor then the combination is called pn junction diode। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, होल्स फ्रॉम पी सेक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन सेक्शन ऑपोजिटली चार्ज है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, करेंगे एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश। ठीक है, क्लियर है? ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर में आके डिफ्यूज हो जाएंगे। तो सेंटर में हमारे पास एक ऐसी लेयर मिलेगी हमें, ये मिल गई हमें एक लेयर। वी विल गेट ए लेयर एट द जंक्शन, जंक्शन पे हमें एक लेयर मिल गई। इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं इस लेयर को? हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, सो the holes from P section and electrons from N section will attract each other, एक दूसरे को attract करेंगे, and a neutral layer is formed at the junction। जंक्शन पर एक न्यूट्रल लेयर, क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, एक न्यूट्रल लेयर बन गई। दिस न्यूट्रल लेयर जंक्शन पे बन गई, जंक्शन इज कॉल्ड, इस न्यूट्रल लेयर को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। क्लियर है? लेकिन इस तरह से तो ये कॉन्टिन्यूस एक दूसरे में डिफ्यूज होते जाएंगे और न्यूट्रल बन, न्यूट्रल लेयर चौड़ी होती जाएगी, वाइडर होती जाएगी। इसको रोकने के लिए, टू स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव को रोकने के लिए, डायोड अपने अंदर एक फिक्शियस बैटरी सेटअप कर लेता है। यानी डायोड के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ उसका नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरफ नेगेटिव है उसका उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। एक डायोड अपने अंदर क्या कर लेता है, एक फिक्शियस बैटरी सेटअप कर लेता है।
इस फिक्शियस बैटरी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि अब ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को यहीं रोकेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को यहीं रोकेगा, फर्दर डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये डायोड के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, हमने इसको नाम दे दिया एक फिक्शियस बैटरी का और इसको नाम दे दिया पोटेंशियल बैरियर का। ठीक है, डिप्लेशन आया। अब आगे टू स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, द डायोड विल सेट अप ए FICITIUS फिक्शियस बैटरी इनसाइड इट कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। और जैसे ही डायोड हमारा पोटेंशियल बैरियर सेट कर लेता है, डायोड ने पोटेंशियल बैरियर सेट कर ली, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, ये लीजिए। जैसे ही डायोड हमारा पोटेंशियल बैरियर सेट कर लेता है, एज द पोटेंशियल बैरियर इज सेट अप, डायोड इज रेडी टू वर्क। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर सेटअप होता है, डायोड क्या करता है? काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। अब हमारा पी एन जंक्शन डायोड रेडी टू वर्क है, तो द डायोड विल वर्क इन टू बायसिंग्स। डायोड दो बायसिंग्स में वर्क करता है। कैसे करता है देखते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ये क्या है? व्हेन पी सेक्शन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड एन सेक्शन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। देन डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। क्या होगा, हम पी सेक्शन को किससे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन सेक्शन ऑफ डायोड को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारा डायोड क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसको करके, वर्किंग समझते हैं इसकी। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये लीजिए भाई, ये लिया हमने पी एन जंक्शन डायोड का एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा। पी सेक्शन, एक आधा इलेक्ट्रॉन भी डाल देंगे। एन सेक्शन, एक आधा होल, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, बीच में क्या मिलेगी आपको? डिप्लेशन लेयर मिल गई। यहां क्या मिलेगा आपको? पोटेंशियल बैरियर मिलेगा ऑपोजिट में। और ये रहा हमारा पी एन जंक्शन, यही था। ठीक है, ये लीजिए पीएन जंक्शन डायोड, ये लगा दिया हमने पोटेंशियल बैरियर। क्या करेंगे? एक बैटरी से जोड़ेंगे इसको। पी सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से। डायोड क्या हो गया?
फॉरवर्ड बायस्ड। पी सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से एन सेक्शन, नेगेटिव टर्मिनल से डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखिए पी सेक्शन में क्या है, होल्स किससे जुड़े हुए हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ये होल्स को एन सेक्शन की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। ऐसे ही एन सेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किससे जुड़े हुए हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे? होल्स की तरफ रिपेल करेंगे, करेंगे। यानी ये एक्सटर्नल बैटरी तो क्या कर रही है? होल्स और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है? पुश कर रही है। लेकिन पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? इनको यहीं रोकने की कोशिश करता है। यानी एक्सटर्नल बैटरी और पोटेंशियल बैरियर ओपोजिट फेज में है। क्लियर है? अब मान लीजिए फिक्सर्स बैटरी 5 वोल्ट की है, फॉर एग्जांपल। कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट। इसने अपने अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है डायोड ने, वो 5 वोल्ट का है। तो जैसे ही यहां पर हमने बैटरी लगाई, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 4 वोल्ट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी है, इससे ये ओपोजिट फेज में है, ये इसको अपोज कर रही है। 5 वोल्ट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? 5-5 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। जैसे ही 6 वोल्ट लगाएंगे, हल्का हल्का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक्सटर्नल बैटरी इसको डोमिनेट करेगी, करेगी ना डोमिनेट। तो 5 वोल्ट तक इसमें क्या होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा, याद रखिएगा ये लाइन। ठीक है? तो हमने क्या किया, पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्या हो गया? एस P सेक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, हेंस होल्स फ्रॉम लेफ्ट P सेक्शन विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स एन सेक्शन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन सेक्शन विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स पी सेक्शन। रिपेल करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, बट ये रोकने का काम करेगा। बट पोटेंशियल बैरियर इज इन ऑपोजिट फेस टू द एक्सटर्नल बैटरी। ये मान लीजिए हमने 5 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट तक ये बैटरी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। यानी 1 वोल्टेज तक डायोड में से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट को ओवरकम करना पड़ेगा हमें पोटेंशियल बैरियर को। सो अप टू ए सर्टेन वोल्टेज नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द डायोड। ठीक है, 1 वोल्टेज तक डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? नी वोल्टेज। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज नी से बढ़ेगी, 5 से एक्स्ट्रा 6, 7, 8, 9, 10, तो धीरे धीरे करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? सो As external voltage increases above knee voltage, then the current will also increase from the डायोड। डायोड में से करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग ये बना दी हमने वोल्टेज इधर,
एक्सटर्नल बैटरी की, ये कर दिया हमने करंट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है कि इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज को हम धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 तक करते हैं, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसको ओवरकम नहीं कर पाए। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक वोल्टेज 5 वोल्ट हुई, 5 वोल्ट के बाद 6 होते ही धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। तो वो वोल्टेज जहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होता उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज, उसे हम क्या कहते हैं नी वोल्टेज। तो दिस इज हाउ फोर्ड बायसिंग ऑफ एपीएन जंक्शन डायोड वर्क्स। क्लियर है? नाउ वी विल गो ऑन टू रिवर्स बायसिंग, सेकंड मोड ऑफ वर्किंग है हमारे पास। द सेकंड मोड ऑफ वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलिए सेकेंड मोड क्या है, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग क्या है, देखिए वही काम करते हैं। लिया डिप्लेशन लेयर तो बनानी ही पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। पी सेक्शन होल्स, एक आधा इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, राइट। एन सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स, एक आधा होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। ऊपर पोटेंशियल बैरियर, नीचे रिवर्स बायसिंग। चलिए सिंबल लेते हैं, रिवर्स बायसिंग कब होगी, जब पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। उल्टा करना है, P सेक्शन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N सेक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन द डायोड इज कॉल्ड इन रिवर्स बायसिंग। डायोड क्या होगा हमारा, रिवर्स बायसिंग है, P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, रिवर्स उल्टा, P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, डायोड विल बी कॉल्ड इन रिवर्स बायसिंग। क्लियर है? सो व्हेन P section of diode is connected to negative terminal and N section of diode is connected to positive terminal, then diode is called in रिवर्स बायसिंग। अब क्या होगा, सुनिए भाई ध्यान से, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर को रोकने का काम कर रहा है, यहीं पर मूव नहीं करने देना चाहता, लेकिन रिवर्स बायसिंग में नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन ये भी इसको रोकने का काम कर रहा है। यानी कि क्या होगा, बोथ एक्सटर्नल बैटरी एंड पोटेंशियल बैरियर आर इन सेम फेस, इन दिस एक्सटर्नल बैटरी एंड द पोटेंशियल बैरियर आर इन सेम फेज, सो नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द डायोड। तो डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी हम एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बट एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, देन एट ए पर्टिकुलर वैल्यू
current from the diode will increase sharply. एकदम से करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. चलिए देखते हैं. मैं उल्टा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रिवर्स बायसिंग है. रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, आरवी आरसी. ठीक है, क्या होगा, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा. वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे, लेकिन एक वोल्टेज पर एकदम से करंट बढ़ जाएगा. बढ़ गया यहां पर. ठीक है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं. द करंट इंक्रीज बिकॉज बिकॉज एट ए पर्टिकुलर वैल्यू the covalent bond between covalent bond टूट जाते हैं. किस किस के बीच में, सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक ना, याद कीजिए. ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, दैट्स व्हाई करंट इंक्रीज शार्पली. इसलिए करंट क्या हो जाता है, शार्पली इंक्रीज हो जाता है. ठीक है भाई, तो दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेक्टिफायर्स.